हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो दोस्तों, YouTube ने अभी नया नया जो पॉलिसी पे चेंज लाया है कि रिपीटेड कंटेंट आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके बाद बहुत सारे क्रिएटर के मन में इसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो चुका है। क्योंकि मुझे Instagram पे भर भर के DM आ रहा है कि हम लोग सर, अगर रिपीटेडली कोई भी टॉपिक पे कंटेंट बनाएंगे तो हमारा जो मोनेटाइजेशन है ये चैनल का वो नहीं रहेगा, वो डीमोनेटाइज हो जाएगा चैनल, तो इससे हम लोग कैसे बचे। और आप ही ने कहा था के एक ही कैटेगरी में वीडियो बनाना है, एक ही नीच को पकड़ के वीडियो बनाना है, एक ही थीम के ऊपर वीडियो बनाना है, तो उस पे तो हम अगर वीडियो बनाएंगे तो लाजमी है कि हमारा जो कंटेंट है वो रिपीट होगा। एक के बाद एक सेम कैटेगरी में हम कंटेंट बनाएगा तो रिपीट तो होना ही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इस चीज के बारे में अच्छे से समझना है और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे काम करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप लोग सच सोच रहे हो आपके मन में। सबसे पहला जो DM आया था वो आया था एक YouTube न्यूज चैनल के ओर से। उनका कहना था कि सर, मेरा जो कैटेगरी है वो न्यूज चैनल का है और न्यूज चैनल कैटेगरी में हम लोग आए दिन रिपीटेड कंटेंट बनाते हैं। अब उनका सोच क्या था यहाँ पे रिपीटेड कंटेंट को लेके, मैं ये थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ और इस मिथ को आज यहाँ पे ब्लास्ट कर दूंगा ताकि इसको लेके आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। यहाँ पे कहना था जैसे कि सर, मैं क्रिकेट के लेके न्यूज़ बनाता हूँ, क्रिकेट के ऊपर न्यूज़ बनाता हूँ, तो आए दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा रहता है, तो मैं क्या एक बार इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बोल दिया तो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तब उस मैच के बारे में नहीं बोल सकता और उस टाइटल को यूज़ नहीं कर सकता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच न्यूज़, ऐसा नहीं कर सकता। क्या वो रिपीटेड कैटेगरी में आ जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्त, ये रिपीटेड कंटेंट नहीं होता है। सबसे पहले मैं रिपीटेड कंटेंट का एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मान लो YouTube का एक अपडेट आया है मोनेटाइजेशन को लेके और आपने आज वो मोनेटाइजेशन को लेके उस अपडेट को पूरा एक्सप्लेन करके बोल दिया। वो वीडियो 2-3 दिन में वायरल हो गया, उस वीडियो पे मिलियंस पे व्यू आ गया। अब आपने ये देख के अगर इंटेंशनली वो ही मोनेटाइजेशन के टॉपिक को कोई भी चेंज ना करते हुए फिर से वीडियो बना दिया तब वो रिपीटेटेड कंटेंट सेक्शन में आएगा। ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच एक बार आपने बोल दिया तो दूसरे बार आपके चैनल पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो नहीं बोल सकते। वो दूसरा मैच है, उसका जो कमेंट्री आप करोगे, उसका जो आप न्यूज़ बताओगे वो दूसरा होगा। ऐसा तो नहीं कि आज भी इंडिया 300 किया और पाकिस्तान 250 में ऑल आउट हो गए और दूसरे मैच में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो उस पर भी इंडिया ने 250 मारा और पाकिस्तान 200 में आउट हो गए। सेम तो नहीं है, उस पर चेंजेस तो होगा। जैसे स्टेडियम चेंज होता है, फील्ड्स चेंज होता है, ग्राउंड चेंज होता है, प्लेयर चेंज होते हैं, तो वो रिपीटेड कंटेंट के कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसको लेके आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उन लोगों को स्पेशली मैं बोल रहा हूं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कुकिंग चैनल को लेके। ये क्वेश्चन आया था कि सर, हम तो कुकिंग में जैसे कि चिकन आइटम को लेके हम लोग वीडियो बनाते हैं तो चिकन से जुड़े तो बहुत सारे डिशेस होते हैं, तो एक बार अगर चिकन को लेके वीडियो बना दिया चिकन आइटम को लेके, तो क्या दूसरे बार हम लोग चिकन आइटम को लेके वीडियो नहीं बना सकते? तो दोस्त, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप कितना भी चिकन के डिश है सारे डिश को लेके वीडियो बना सकते हो, ये रिपीटेड कंटेंट नहीं होगा। रिपीटेड कंटेंट तब होगा, मान लो आज आपने एक डिश बनाया चिकन मसाला करके और वो वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आ गया, आपने ये देखते हुए फिर से बना दिया सेम रेसिपी पे भी चेंजेस नहीं लाया और आपने बना दिया फिर से चिकन मसाला और उस पे भी वही सेम चीज़ बताया जो पिछले वीडियो पे बताया था, तब वो रिपीटेड कंटेंट होगा। मगर आपने आज चिकन मसाला के ऊपर वीडियो बनाया, कल फिर चिकन मसाला के ऊपर ही वीडियो बनाया मगर वहाँ पे प्रिपरेशन जो है चिकन मसाला बनाने का वो डिफरेंट दिखाया, तब वो रिपीटेड कंटेंट नहीं होगा। ये बात तो समझ गए। और उसी के साथ बाकी जैसे चिकन टिक्का, चिकन मसाला, चिकन बटर, चिकन तंगरी, चिकन रोस्ट, जो भी चिकन को लेके बनाओगे वो रिपीटेड कंटेंट नहीं होगा। कैटेगरी सेम है, कंटेंट तो डिफरेंट डिफरेंट है ना,
तो वो रिपीटेड नहीं होगा। रिपीटेड तभी होगा, जैसे कि आज मान लो आपने चिकन रोस्ट बनाया, वैसे ही तरीके सेम टू सेम आपने नेक्स्ट वीडियो बना दिया। अगर दो वीडियो सेम टू सेम हो गया तब जाके वो वीडियो को रिपीटेड कैटेगरी में आएगा। तो आप लोगों को इससे डरने की बात नहीं है, इससे मोनेटाइजेशन जो है आप लोगों का बंद नहीं होगा। उसके बाद जो दोस्तों और एक क्वेश्चन आया है वो है गेमिंग दुनिया से, पबजी स्ट्रीमिंग को लेके। सर मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे गेम स्ट्रीम करता हूँ, पबजी का जो गेम है उसको खेलता हूँ और लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो हर दिन तो वही गेम खेलता हूँ, वही वीडियो आता है, तो वो क्या रिपीटेड कंटेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज आपने जैसे गेम खेला, कल कोई दूसरा पड़ाव खेलोगे, परसों कोई तीसरा पड़ाव खेलोगे, या फिर सेम पड़ाव को डिफरेंट स्टाइल पे खेलोगे, डिफरेंट स्कोर होगा, डिफरेंट लेवल होगा, बल्कि गेम के बारे में मुझे उतना मालूम नहीं, मगर वो रिपीटेड कंटेंट नहीं होगा। आशा करता हूँ ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब और एक डाउट आया है कि मान लो 2019 में आपने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है, उसी टॉपिक पे 2020 में आपने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया है, मगर इससे क्या रिपीटेड कंटेंट हो गया? बिल्कुल नहीं। रिपीटेड कंटेंट वो होगा अगर 2019 में आपने वीडियो पे जो बताया सेम टू सेम आपने 2020 पे भी बताया, मगर वहाँ पे कोई क्रिएटिव नहीं है, कोई न्यू अपडेट नहीं है, तब जाके वो रिपीटेड कंटेंट होगा। बाकी मान लो यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेके ही 2019 में जो रूल्स है 2020 में रूल्स चेंज हो जाए, तो हम जैसे क्रिएटर, हम जैसे 2019 में यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेके बताया है, 2020 में भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेके बताएंगे, मगर यहां पे क्या होगा, जो तरीका है, जो क्राइटेरिया है, उस पे चेंज होगा, इसीलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं। अगर 2020 में मैंने मोनेटाइजेशन को लेके वीडियो बनाया और फिर नेक्स्ट 2020 में ही मैं फिर एक वीडियो बना दिया, मगर उस वीडियो पे सेम टू सेम रख दिया, कोई अपडेट एक्स्ट्रा नहीं है, या फिर कोई चेंजेस नहीं है, या फिर कोई इशू को लेके नहीं बात किया, तो सेम टू सेम होगा, तब जाके वो रिपीटेड कंटेंट के लिस्ट पे आएगा। तो इसको लेके आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्लॉगिंग चैनल से भी मुझे DM आया है कि सर हम तो वैराइटीज प्लेसेस पे विजिट करते हैं और उस पर 4 या 5 दिन तक हम ब्लॉगिंग करते रहते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई एक प्लेस को विजिट किया तो उसका 5 वीडियो बना दिया, तो क्या वो रिपीटेड कंटेंट होगा क्योंकि मैंने एक ही प्लेस के वीडियो 4-5 बार डाला? बिल्कुल नहीं रिपीटेड कंटेंट होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट डे में जहाँ पे विजिट किया, दूसरे दिन में दूसरे जगह पे विजिट करके बनाया, तीसरे दिन में तीसरे प्लेस पे विजिट करके बनाया, चौथा दिन में चौथा प्लेस को विजिट करके बनाया, तो वो रिपीटेड कंटेंट नहीं होगा। रिपीटेड कंटेंट तब होगा फर्स्ट डे आपने जहाँ पे वीडियो बनाया, सेकंड डे भी सेम जगह पे वीडियो बनाया, थर्ड डे भी सेम जगह पे वीडियो बनाया, तब जाके वो रिपीटेड कैटेगरी में आएगा। इसके वजह से आपका मोनेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। निश्चिंत होके वीडियो पे फोकस कीजिए और ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे भर भर के बनाते रहिए। और जो लास्ट में आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये रिपीटेड कंटेंट जो YouTube ने अभी ये पॉलिसी ला रहा है, इसके ऊपर अभी तक पूरा अपडेट डिटेलिंग में नहीं लाया है, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया है कि अब से आने वाले टाइम से रिपीटेड कंटेंट में YouTube कार्रवाई करेगा और जो भी चैनल को देखने के लिए मिलेगा कि वो रिपीटेड कंटेंट बार बार लगातार बनाता जा रहा है, उसको पेनल्टी मिलेगा, मोनेटाइजेशन भी डिमोनेटाइज कर देगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए बना रहा है, यूट्यूब क्रिएटर को पेनल्टी देने के लिए नहीं। तो जो लोग सच्चाई से काम कर रहे हो उन लोगों को डरने की बात नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अगर आज आप एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, उसी टॉपिक पे अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाते हो तो पहले के टॉपिक से थोड़ा सा अलग होना चाहिए, सेम टू सेम सब कुछ नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ के बारे में ध्यान रख देना। बाकी आप लोग जैसे काम कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे वैसे ही काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों का ये जो डाउट आया हुआ था रिपीटेड कंटेंट को लेके वो क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।